तो देखिए दीपा, शिवपाल सिंह यादव को ये लगता है कि दो साल से जिस तरीके के घटनाक्रम हैं और अत्याचार हो रहे, वो कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। आज हो सकता है, कल हो सकता है, और कभी भी सीतापुर जेल में जाकर के मिलने वाली तस्वीरें आ सकती है। इस पे अपडेट क्या है ये जानेंगे हम शैलेश अरोड़ा से। लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं शैलेश। और शैलेश, शिवपाल यादव खुल करके कह रहे हैं कि ये पार्टी से पूछिए कि अत्याचार क्यों हुआ, लेकिन उनका स्टैंड ये है कि वो कभी भी सीतापुर जेल जा सकते हैं, मिल सकते हैं। क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, खुद शिवपाल यादव ने खुद ही हमारे चैनल पर जब इंटरव्यू दिया तो साफ तौर पर कहा कि वो कभी भी, बहुत जल्द, बल्कि उनके भी शब्द थे, सीतापुर जेल जा सकते हैं आजम खान से मुलाकात करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार आजम खान के परिवार के साथ संपर्क में बने हुए हैं। देखिए, अगर बात करें सियासी समीकरण, जो सियासत के समीकरण फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, तो वो तो साफ इशारा करती है कि समाजवादी पार्टी के लिए हालात अच्छे नहीं है, बल्कि कह सकते हैं दिन ब दिन एक नया झटका उनके सामने आ रहा है। अगर आप देखिए तो पहले शिवपाल यादव ने मोर्चा खोला, उसके बाद अगर आप देखें तो आजम खान जो हैं, उनके जिस तरह से सबके मिलने वालों का तांता लगा हुआ है, चाहे चंद्रशेखर की बात की जाए, चाहे बात की जाए जयंत चौधरी की, तो वो सारी चीज़ें सबके सामने किसी से छुपा नहीं है। दूसरी चीज़, जब चुनाव के परिणाम आए थे तो उस समय हमने देखा था कि सपा के अंदर केशव देव मौर्य, जो उनके सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं, वो पार्टी के ही एक नेता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो सपा में, उन पर सवाल उठाते, यानी अंदर अंदर ये जो खटपट चल रही है ये पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए काफ़ी नुकसानदायक फिलहाल साबित होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक बात करें समीकरण की, तो एक चीज़ देखिए आप, शिवपाल यादव से जितनी बार भी सवाल किया जाता है तलखी को लेकर या अंदरूनी खटपट को लेकर, तो इनकार कभी नहीं किया उन्होंने। दूसरी चीज़, आजम खान के प्रकरण को आप ले लीजिए, लगातार जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसके बाद क्या आजम खान के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई? नहीं आई। उनके बेटे की तरफ से नहीं आई। जब जयंत चौधरी गए, हमारे सहयोगी ने वहाँ पर बात की, तब भी आजम खान के बेटे वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से, अब्दुल्ला आजम की तरफ से भी एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। किसी बात का खंडन नहीं किया जा रहा जो मीडिया में चीज़ें चल रही है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो अखिलेश यादव की तरफ से भी किसी बात का खंडन नहीं किया जा रहा, वरना खंडन करने में कितनी देर लगती है नेताओं को, एक ट्वीट के माध्यम से। यही तो चीज़ें चल रही हैं ग्राउंड पर। शैलेश, देखिए, उनसे मिलने वालों का तांता लगा है, जयंत चौधरी की तस्वीरें आती हैं, अब्दुल्ला आजम उनको लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं है, और उनके अपने किस तरीके की बात कहते हैं, और इसमें अब शिवपाल का एंगल भी आ गया। तमाम चीजें चल रही हैं, पूरे डायमेंशन में देख सकते हैं। बिल्कुल। और शैलेश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक और भी बड़ी अपडेट है आजम खान से जुड़ी हुई, वो दर्शकों को दे दें। आजम खान को लेकर एक बड़ा अपडेट ये है कि इस बार घर पर ही मन सकती है आजम खान की ईद। जी हाँ, दरअसल दो साल से ज्यादा वक्त से जेल के सलाखों के पीछे रहे सपा के सीनियर नेता आजम खान जल्द बाहर आ सकते हैं, ऐसी खबर है। संभावना है कि हाईकोर्ट एक आखिरी मामले में हफ्ते भर में अपना फैसला सुना सकती है और आजम खान को जमानत मिल सकती है। और बिल्कुल, ये भी आपको बता दें कि आजम खान को 72 मामलों में से 71 मामलों में जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामला बचा है जिस पर हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब ये मामला शत्रु संपत्ति को अली जौहर यूनिवर्सिटी के लीज पर लेने का था, जो 2012 में आजम खान के कैबिनेट मंत्री बनने पर वक्फ बोर्ड ने जमीन जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दे दी थी। ये एक आखिरी मामला है जिस पर फैसला सुरक्षित है, और ये फैसला आने के बाद किस तरीके से ईद मनने वाली है ये भी तय हो जाएगा। दीपा, बिल्कुल, चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। इस बार की आजम की ईद घर पर ही मनेगी, शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, देखिए, 72 मामले थे जिनमें से 71 पर जमानत मिल चुकी है आजम खान को। अब उम्मीदें उनकी भी बेतहाशा बढ़ गई होंगी, उनके चाहने वालों की भी बढ़ गई होंगी। सिर्फ एक मामला है, क्या लग रहा है जमानत मिल जाएगी ईद से पहले? बिल्कुल, देखिए, अगर हम आजम खान और उनके परिवार की बात करें तो सभी को उम्मीद है कि इस मामले में, क्योंकि वो लोग देखिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाकर वो हाई कोर्ट के मामले को लेकर अवमानना का नोटिस भी दे सकते हैं, वहाँ पर अवमानना को लेकर भी अपनी रिट याचिका फाइल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उसके पीछे वजह है, 2 महीने पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था, अब तक सुनाया नहीं है, और आजम खान और उनके परिवार को पूरी उम्मीद है कि इस मामले में भी उनको जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जिस साथ 71 मामलों में मिली है, 72वां जो मामला है इसमें भी उन्हें जमानत की पूरी उम्मीद है, लेकिन 2 महीने से फैसला सुरक्षित है, इस वजह से अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे, और ऐसे में लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ से राहत मिल जाती है, तो निश्चित रूप से जो अगली आने वाली ईद है वो उनकी अपने घर में मनाने का मौका मिल सकता है अपने परिवार के साथ में। फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है।
वहीं जो उनके अधिवक्ताओं की टीम है देखिए वो भी लगातार इस मामले को लेकर पैरवी कर रही है और अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। तो फिलहाल जो हालात है, जो हवा है, वो हम कह सकते हैं उनके पक्ष में उनकी तरफ चलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि उन्हें भी पूरी उम्मीद है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने पर पूरी तरह से राहत भी मिल जाएगी और ये जो 72वां मामला है इसमें भी उनको बेल मिलने की पूरी उम्मीद जो है आजम खान को वो जताई जा रही है।